लाइफ में हुआ नमक इश्क का की कहानी को इश्क इस एक्टर को कर रही हैं डेट। जी हाँ, कलर्स टीवी के शो नमक इश्क का शो में कहानी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस श्रुति शर्मा को रियल लाइफ में प्यार हो गया है। श्रुति टीवी के पॉपुलर एक्टर को डेट कर रही है। जी हाँ, खबरों की माने तो एक्ट्रेस श्रुति शर्मा ये है चाहते फेम एक्टर अबरार काजी को डेट कर रहे हैं। दोनों के बीच जिस तरह से नजदीकियां बढ़ी हैं, उसी वजह से दोनों अब लाइमलाइट में आ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि दोनों जल्द ही अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक करीबी सूत्र ने बताया, श्रुति और अबरार एक कपल हैं और दोनों पिछले कुछ टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनके दोस्त बेशक उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानते हैं, लेकिन अब वो अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं कुछ वक्त पहले एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में श्रुति ने अबरार के साथ अपने दोस्ती के बारे में कहा था, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आसपास ही रहते हैं, हमने साथ काम किया है और साथ में काफी समय भी बताया है। वो मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखता है जो मेरे साथ रहती है, मैं उसकी देखभाल करती हूँ क्योंकि उसका परिवार कश्मीर में है। अबरार और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम भी नहीं जानते कि फ्यूचर हमारे लिए कैसे सामने आता है। आपको बता दें कि श्रुति और अबरार टीवी शो गठबंधन में एक साथ काम कर चुके हैं। कहा जाता है कि इसी शो के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी थी। आपको बता दें कि अबरार टीवी सीरियल ये है चाहते में इन दिनों रॉकस्टार रुद्राक्ष खुराना का किरदार निभा रहे हैं। इस शो से अबरार को काफी पॉपुलैरिटी मिली है। तो वहीं श्रुति अपने शो नमक इश्क का की कहानी वर्मा बनकर खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं। मैंने इस शो में तो श्रुति की ऑन स्क्रीन कहानी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ी, लेकिन अब जिस तरह से श्रुति के असल जिंदगी में भी इश्क की बातें कही जा रही हैं, यकीनन उससे उनके फैंस काफी हैरान और खुश भी जरूर हो रहे होंगे। हालांकि अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में श्रुति या फिर अबरार अपने इस इश्क की खबर पर मोहर लगाते हैं या फिर नहीं। आप श्रुति के प्यार में होने की खबरों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।